और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। कंप्यूटर की 5 जनरेशन होती हैं, कंप्यूटर की 5 पीढ़ी होती हैं। फर्स्ट जनरेशन जो टाइम पीरियड था 1946 से 1956 का था, फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया। वैक्यूम ट्यूब को जो आविष्कार है डेवलप्ड है 1904 में जॉन एम्बोस फ्लेमिंगो ने किया था। इस जनरेशन का मेन साइंटिस्ट थे एकर्ट और मूजली, ये दो पर्सन थे जिन्होंने इस जनरेशन में मेन भूमिका निभाई थी। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर EDSEC था, EDBAC था, UNIBAC था और UNIBAC 1 था। तो फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट 1946 से 56 का था टाइम पीरियड, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज हुआ था और दो साइंटिस्ट थे एकर्ट एंड मूजली था। और मेन जो कंप्यूटर थे इस जनरेशन में कंप्यूटर का निर्माण हुआ डेवलप्ड हुए वो मेन थे आपके EDSEC। EDSEC की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक्स रिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। सेकंड आपका था ATMEC, EDBAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और थर्ड आपका था यूनिवेक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एक यूनिवेक 1 था। तो सभी स्टूडेंट्स फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो थे वो साइज वेरी लार्ज साइज के थे, स्पीड स्लो थी। देखिए स्टूडेंट्स साइज बड़ा होगा तो प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा, इसलिए जो है साइज भी बड़े हुए तो उनकी स्पीड भी कम हो गई। मेमोरी ज्यादा लेते थे, डाटा स्टोर नहीं होता था। जब तक स्टूडेंट्स डाटा स्टोर नहीं हुआ कंप्यूटर इतना बेनिफिशियल हमारे लिए नहीं हुआ। जब डाटा स्टोर कंप्यूटर में होने लगा तब हमारे लिए कंप्यूटर इतना पॉपुलर हो गया। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में जो है डाटा स्टोर नहीं रखा जाता था। ये कंप्यूटर वेरी कॉस्टली थे, ज्यादा महंगे होने के कारण हर कोई इनको परचेज नहीं कर सकता था। तो मेन पॉइंट स्टूडेंट्स फर्स्ट जनरेशन 1946 से 56 की थी, दो साइंटिस्ट एकर्ट और मूजली थे, ये जो है साइज में बड़े थे, स्पीड में स्लो थे, डाटा स्टोर नहीं होता था, वेरी कॉस्टली थे। कॉस्टली के कारण एवरी पर्सन इसको परचेज नहीं कर सकता था। चलते बच्चे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर जो थे टाइम पीरियड उनका 1956 से 1964 का था। इसमें जो है सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर का यूज किया जाने लगा। इसमें इसके जो साइंटिस्ट थे विलियम शाकेले ने इसका आविष्कार किया था 1947 में। इस जनरेशन में जो है वैक्यूम ट्यूब की वजह कंपेयर में अधिक तेज चले, अधिक विश्वसनीयता प्रदान की। ट्रांजिस्टर आने के बाद कंप्यूटर के आकार में भी सुधार हुआ। फर्स्ट पीढ़ी के जनरेशन के कंप्यूटर साइज में बड़े थे तो सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे फर्स्ट जनरेशन से थोड़े साइज में छोटे हो गए। इसके जो मेन पॉइंट है फर्स्ट आपका वैक्यूम ट्यूब के बदले ट्रांजिस्टर का यूज हुआ, साइज में छोटे हो गए, लाइट कम लेने लगी, स्पीड तेज हो गई और अधिक विश्वसनीय। अधिक विश्वसनीय का मतलब हम कोई भी वर्क विश्वास से कर सकते हैं कि हमारा डाटा सेफ रहेगा, कंप्यूटर से कोई गलती नहीं होगी। और फर्स्ट जनरेशन में कॉस्ट ज्यादा थी, परचेज नहीं कर सकता था एवरी पर्सन। सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, फर्स्ट जनरेशन की बजाय थोड़े से कम खर्चीले हो गए। मेन पॉइंट आपका कोबोल और फोर्ट्रॉन, कंप्यूटर की हाई लेवल लैंग्वेज होती है कोबोल, फोर्ट्रॉन, पास्कल, सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प,
एक बीबी होती है विजुअल बेसिक, बीबी अलग चीज होती है, बीबी प्रोजेक्ट बनाने के लिए यूज की जाती है, ग्राफिकल काम होता है, लैंग्वेज जो होती है कोबोल फोरट्रान पास्कल सी 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 प्लस प्लस जावा सी शार्प, ये जो सारी है हाई लेवल लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग भाषा है जो है सेकंड जनरेशन में कोबोल और फोरट्रान जैसी उच्च लैंग्वेज का यूज हुआ, विकास हुआ। और एक चीज और, प्रिंटर भी आए, ऑपरेटिंग सिस्टम भी आए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मीडिएटर होता है कंप्यूटर और हार्डवेयर के बीच में, चलने में मदद करता है। प्रिंटर डाटा को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड जो था 1965 से 1971 का था। थर्ड जनरेशन में जो है स्टूडेंट्स ट्रांजिस्टर की जगह आईसी ने ले ली। आईसी होती है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती है, जो है इसके जो साइंटिस्ट थे इसका आविष्कार जो है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी ने किया। इसके जो है जैक किर्बी ने, जो मेन आपका साइंटिस्ट था, इस पीढ़ी के जो मेन कंप्यूटर थे आईसीएल 2903, आईसीएल 1900, UNIBAC 1108। स्टूडेंट्स UNIBAC 1 आपका फर्स्ट जनरेशन में भी आया था, लेकिन UNIBAC 1108 जो है, 1108 यहाँ पे नाम चेंज हो गया, थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है और एक सिस्टम 1360 जो है मेन थे। तो ये जो आपके हैं मेन कंप्यूटर हैं थर्ड जनरेशन के, और ये आपका टाइम पीरियड है। मेन चीज आपकी फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब यूज हुई, सेकंड में ट्रांजिस्टर यूज हुए, थर्ड में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुई। थर्ड जनरेशन के जो मेन पॉइंट थे आईसी यूज कर, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुई। फर्स्ट और सेकंड की जनरेशन की कंपेयर में थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर साइज में छोटे हो गए, वेट में हल्के हो गए, अधिक विश्वसनीय है और पोर्टेबल और आसान रख रखाव, मतलब कि पोर्टेबल एक जगह से ले जाना दूसरी जगह आसान हो गया। फर्स्ट जनरेशन का साइज इतना लार्ज था कि हम उसको उठा नहीं सकते, तो थर्ड जनरेशन तक आते आते क्या हुआ कि उनका साइज छोटा हो गया और हाई लेवल लैंग्वेज का यूज बहुत ज्यादा होने लगा। उसके बाद है नेक्स्ट स्टूडेंट्स फोर्थ जनरेशन, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में जो टाइम ड्यूरेशन थी 1971 से 1985 की रही, इसमें जो है इस टाइम पीरियड के कंप्यूटर को फोर्थ जनरेशन की श्रेणी में रखा गया। इस पीढ़ी में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट को और अधिक डेवलप करने के लिए LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और एक VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड का यूज किया जाने लगा। उसके बाद जो है इस फोर्थ जनरेशन के आविष्कार में पूरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक छोटी सी चिप पर आ गई। आईसी एक चिप होती है जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाने लगा। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो मतलब छोटा कंप्यूटर भी कहा जाता है। फोर्थ जनरेशन के सफल प्रयास के बाद स्टूडेंट्स बिल गेट्स अमेरिका का पर्सन है, दुनिया का टॉप रिचेस्ट पर्सन है, कंप्यूटर का स्वामी भी विश्व में बिल गेट्स को कहा जाता है। इस सफलता के बाद बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की। माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका की कंपनी है, दुनिया की फर्स्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में एक नई जनरेशन का युग हुआ। इन कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया, मेमोरी ज्यादा बढ़ गई, मतलब आप डाटा ज्यादा स्टोर कर सकते थे, आकार छोटा हो गया, छोटा होने के कारण रखरखाव आसान हो गया। स्टूडेंट्स एक तो हम इस ऐसी चीज को यूज करें जो एक पूरे रूम में सेट हो, और एक ऐसी चीज हम यूज करें स्टूडेंट्स आज जैसे हम
इतने छोटे कंप्यूटर, पाम टॉप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, पाम टॉप मतलब हथेली पे रख के लैपटॉप है, तो मतलब जितनी ज्यादा छोटी चीज होगी उतना ही रख रखाव उसका आसान हो गया। तो इस जनरेशन में भी ऐसा ही हुआ, साइज कम हो गया, रख रखाव आसान हो गया, कॉस्ट कम हो गई, कॉस्ट कम हो गई तो एवरी पर्सन इसको खरीदने में सक्षम हो गया। जब कोई चीज हद से ज्यादा महंगी होती है तो एवरी यूजर एवरी पर्सन से बाहर होती है, सबके बजट में नहीं होती। तो फोर्थ जनरेशन एक महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ कंप्यूटर का, साइज छोटे हो गए, स्पीड तेज हो गई, रख रखाव आसान हो गया और कीमत कॉस्ट कम हो गई। आइए स्टूडेंट्स, फोर्थ जनरेशन के मेन मेन पॉइंट यहाँ पे है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का यूज हुआ, VLSI इसकी शॉर्ट फॉर्म है। साइज में कमी आई, मतलब छोटे हो गए, साधारण आदमी की कार्य क्षमता, मतलब कोई भी नॉर्मल पर्सन भी हम इस पे कार्य करने लगा, अधिक प्रभावशाली हो गए, विश्वास के योग्य हो गए, स्पीड तेज हो गई, मेमोरी क्षमता हाई हो गई और कंप्यूटर के विभिन्न नेटवर्क का विकास हुआ। जैसे आज कंप्यूटर इतना पॉपुलर हो गया इंटरनेट के कारण, इंटरनेट से इतना नेटवर्क का जाल बिछ गया कि हम घर बैठे सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से ले रहे हैं, इंटरनेट के कारण नेटवर्क का विकास हुआ। स्टूडेंट्स, आपकी लास्ट फिफ्थ जनरेशन 1985 से टिल नाउ, अब तक का जो टाइम पीरियड है वो आपका जनरेशन के अंडर में आता है। 1985 से लेके अब तक पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत आती है सारी जनरेशन। आज के जनरेशन के कंप्यूटर वेरी हाई स्पीड से काम करते हैं, शक्तिशाली हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंक्लूड करने के लिए साइंटिस्ट लोग हमारे जो है प्रयासत हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि हम रोबोट से काम करते हैं, आज के कंप्यूटर इतने बेनिफिशियल हो गए हमारे लिए, हर फील्ड में जो है, अकाउंटिंग में, इंजीनियरिंग में, उद्योगों में, व्यापार में, अंतरिक्ष में, हर तरह की खोज में यूज किए जाने लग गए। फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं, इसमें जैसे कि फर्स्ट आपका इंटरनेट है, दुनिया भर के कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट से जुड़े होते हैं। आप घर बैठे किसी भी कंट्री की, किसी भी कोने की इंफॉर्मेशन आप एक्सेस कर सकते हैं। आज के जो कंप्यूटर हैं, अलग अलग मॉडल डेस्कटॉप और लो टॉप और पाम टॉप में उपलब्ध हैं। पाम टॉप जैसे हथेली पे रखते हैं, डेस्कटॉप हम LED LCD यूज कर रहे हैं, लैपटॉप हम आने जाने में कहीं पे भी उसको अपने साथ रख सकते हैं। उसके बाद है मल्टीमीडिया प्रेस जो है, साउंड, ग्राफिक्स, चित्र वगैरह देख सकते हैं। मतलब एक तरह से स्टूडेंट्स, हम कोई भी ऐसी चीज नहीं रही जो हम कंप्यूटर पे नहीं कर सकते। पढ़ सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं, वीडियो गेम देखना, गेम खेलना, वीडियो देखना, मूवी देखना, कितना भी डाटा आप स्टोर कर सकते हैं। न्यू एप्लीकेशंस के कारण फिल्म में, जैसे मूवी के अंदर सीन होता है, कहां से कुछ भी उठा के कोई भी सीन क्रिएट कर सकते हैं। या हमने कोई भी जैसे अदर कंट्री से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या अपना व्यापार चलाना है तो हम घर बैठ के ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो आज कंप्यूटर का इतना वास्ट यूज हो गया कि आप गूगल के अंदर कितना भी अनलिमिटेड, कितना भी पुराना डाटा आप सर्च करना चाहो आप सर्च कर सकते हैं। तो कंप्यूटर की ये पांच पीढ़ी स्टूडेंट्स आज आपकी क्लास में आपको बताई गई। हर जनरेशन एक नया चीज लेके आई, नया एक्सपेरिमेंट लेके आई और नया एक्सपेरिमेंट लेके आते आते इतना वास्ट कंप्यूटर हो गया, इतना फास्ट हो गया कि हम कोई भी कार्य इस पे आसानी से कर सकते हैं।
कोई भी इंफॉर्मेशन ऑल ओवर कंट्री, ऑल ओवर वर्ल्ड की स्टडी हो, उद्योग हो, फिल्मी जगत हो, कोई भी चीज आज इंटरनेट के बाद, इंटरनेट को इंक्लूड करके कंप्यूटर से अछूती नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका जनरेशन का टॉपिक कवर हुआ। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो आप पूछ सकते हैं। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।